हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 18 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहली जो न्यूज़ यहाँ पे आई है वो आई है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में। देखो, कंटेक्स्ट बेसिकली कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो है क्या। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो बेसिकली एक कोऑपरेटिव एंड एक वॉलेंट्री ग्रुप है कंट्रीज़ का। मतलब एक तरीके से सहकारी और वॉलेंट्री तौर पे कंट्रीज जो हैं वो इसमें ग्रुप में शामिल हैं वो हुई हैं। ये बेसिकली रेगुलेट करने के लिए है ट्रेड को। कौन से ट्रेड को? वो मटेरियल, वो इक्विपमेंट या वो टेक्नोलॉजी जो कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बनाने में यूज है वो होती हैं। यानी कि वो केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल बनाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं या फिर जो भी मटेरियल जरूरी होती है या फिर कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, उस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करता है कि भाई बाहर किसी कंट्री में, मतलब बिना किसी रेगुलेशन के आप उसको एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर सकते। इसको लिए उसको रेगुलेट है वो करता है एक्सपोर्ट। जैसे कि मान लो कि इंडिया के पास कोई ऐसा मटेरियल है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन बनाने में यूज होती हो, तो ऐसी टेक्निक को रेगुलेट है वो करता है कि भैया आप ऐसे इसको नहीं कर सकते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 1984 में ईरान और इराक के बीच में भीषण युद्ध चल रहा था खाड़ी देशों में, और उस दौरान इराक ने केमिकल वेपन का यूज है वो किया था जो कि 1925 की जो जिनेवा प्रोटोकॉल है उसका वॉयलेशन था या उसका उल्लंघन था। क्योंकि देखो, जो 1925 में जो जिनेवा प्रोटोकॉल आया था, इस प्रोटोकॉल का मोटो ये था कि भाई कोई भी कंट्री है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि इसके बहुत भीषण परिणाम वो देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किस तरीके से नाजी कंट्रीज थी उन्होंने केमिकल वेपन्स का यूज़ किया था, कैसे हिटलर ने केमिकल वेपन का यूज़ किया था और उसे भारी लोगों को नुकसान पहुंचा था और काफ़ी दर्दनाक मौतें लोगों की हुई थी। इसीलिए जो बायोलॉजिकल और जो ऐसे की वेपन्स हैं इन सबको रेगुलेट करने के लिए 1985 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का निर्माण है वो किया गया था। इसका नाम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इसलिए रखा गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने इसकी पहल की थी कि भाई एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें इस तरीके के कुछ प्रावधान वगैरह होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मोटो क्या है, केमिकल और जो बायोलॉजिकल वेपन है इनको रेगुलेट करना, इनके ऊपर रोक लगाना ताकि कोई भी टेक्नोलॉजी है वो एक जैसे ट्रांसफ़र ना हो सके और कोई भी अनवांटेड ग्रुप के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी है वो ना जाए। ये आपको उस फैक्ट यहाँ पे देखना है। इसी के साथ ही जो ओल्ड मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के उनको केमिकल जो वेपन्स कन्वेंशन है CVC वो रेक्टिफाई करना ज़रूरी होता है, और इसी के साथ ही उनको केमिकल बायोलॉजिकल वेपन की भी एक कन्वेंशन है इनको भी वेरीफाई मतलब रेक्टिफाई करना होता है। यानी कि जो कंट्री ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर बनती है उसको CVC और CBC सॉरी BWC इन दोनों को रेक्टिफाई करना होता है तभी वो इसका मेंबर है वो बन सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल यह है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड में अभी कुछ स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं। जिंजर यानी कि अदरक की कुछ स्पीसीज हैं वो यहाँ पे डिस्कवर की गई हैं। तो ये बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्कवर हैं वो की गई हैं। स्पीसीज के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिंगीबर प्रिनेसस और जिंगीबर डिमारपुरेस। तो देखो, आपको स्पीसीज के नाम याद हो या नहीं हो, बट ऐसा ध्यान होना चाहिए कि भाई कौन सी स्पीसीज है वो कहाँ पे भी डिस्कवर की गई हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल UPSC 2-4 सालों से ऐसे क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछ रही हैं कि रिसेंटली केले की नई प्रजाति डिस्कवर की गई है, कहाँ पे थी, मछली की एक प्रजाति है या वो कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जिंजर की नई स्पीसीज कहाँ पे डिस्कवर है वो की गई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नल्लामल्ला फॉरेस्ट के बारे में। न्यूज़ में भी इसलिए है कि तेलंगाना जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि तेलंगाना विधानसभा ने अभी एक कानून है रिजोल्यूशन पारित किया है कि भाई नल्लामल्ला फॉरेस्ट के अंदर जो यूरेनियम की माइनिंग हो रही है उसको रोका जाए। अब देखो, यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट बन जाते हैं। पहली बात तो नल्लामल्ला फॉरेस्ट यूरेनियम रिजर्व है यहाँ पे, ये हमें पता चला। इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूरेनियम माइनिंग जो यहाँ पे हो रही थी इसके काफ़ी सीरियस थ्रेट थे। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है नल्लामल्ला की वो काफ़ी तेज़ी से आप बोल सकते हो क्षतिग्रस्त या लॉस में जा रही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यूज है, कंसर्न है वो सामने आ रहा था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नल्लामल्ला फॉरेस्ट वाला एरिया में एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है चेंचू ट्राइब। तो ये आप ध्यान रखना, जो चेंचू ट्राइब है वो मेनली आंध्र प्रदेश तेलंगाना और उड़ीसा वाले इस एरिया में इस बेल्ट में रहती हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट ट्राइब हो जाती है क्योंकि इसने काफ़ी पुरजोर विरोध किया था इस माइनिंग का। इसके रीज़न ये थे कि जो नल्लामल्ला वाला फॉरेस्ट वाला एरिया था यहाँ पे बेसिकली ये चेंचू जो ट्राइब है वो रह रही थी और उसके सोशल कल्चर और जो लाइवहुड के सोर्सेज थे वो खतरे में पड़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था। तो अभी फाइनली जो माइनिंग है उसको रोक दिया गया है।
इसी के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो नल्लामल्ला फॉरेस्ट है इसके एरिया में एक रिवर आती है जिसका नाम है कृष्णा रिवर। और आपको पता है कृष्णा रिवर इस एरिया से बहती है और इन लोगों की काफ़ी लाइवहुड आजीविका का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा रिवर के द्वारा बहुत से लोगों की आजीविका है वो चलती है। और ऐसे में इसी एरिया में माइनिंग हो रही है तो ऑब्वियसली यूरेनियम से पानी है वो कंटेमिनेट या हो सकता है, यानी कि पानी में यूरेनियम के कुछ गुण मिल सकते हैं जिसकी वजह से पानी जहरीला हो सकता है और उसको काफ़ी सीरियस रिजल्ट है, इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं मरीन और जो टेरिटोरियल बायोडायवर्सिटी है इसके ऊपर। इसीलिए इसको रोकना काफ़ी अहम है वो हो जाता है। तो ये आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। देखो जो चेंचू ट्राइब है ना इसकी एक लैंग्वेज है जिसका नाम है चेंच लैंग्वेज। ये बेसिकली चेंच लैंग्वेज बोलती है जो कि द्रविड़ लैंग्वेज का ही एक सब पार्ट है। तो ये भी आप एक छोटा सा फैक्ट है उस ट्राइब के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने दो प्रोग्राम लॉन्च किए थे तो अभी उन्हीं को लेके न्यूज़ आई है। एक तो था लीप प्रोग्राम, लीडरशिप फॉर अकेडमिसिस प्रोग्राम, और एक था यहाँ पे एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। तो क्या है ये दोनों प्रोग्राम हम देखते हैं शॉर्ट में, इनकी फुल फॉर्म है। एक तो है लीप प्रोग्राम और एक है अर्पित प्रोग्राम। देखो लीप प्रोग्राम का मोटो ये रखा गया है कि हमारे देश के जो प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं सेकेंडरी लेवल के, उनको उनकी क्वालिटी है उनके टीचर्स की क्वालिटी को बिल्डअप करने के लिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है सेकेंड लेवल एडमिटेड। क्या है ये भाई सेकेंड लेवल अकेडमिक्स? देखो सेकेंड लेवल अकेडमिक्स का मतलब ये है कि जो टॉप हमारी क्रीम कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया की, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, इसी के साथ ही आईआईएससी बेंगलुरु हो गया, तो ऐसे जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उनसे जस्ट नीचे वाली कैटेगरी, यानी कि जो सेकेंड टॉप कैटेगरी आप बोल सकते हो, उन इंस्टीट्यूट को कहा गया है सेकेंड लेवल अकेडमिक्स। तो गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है कि भाई हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो जो ये सेकेंड लेवल के एकेडमिक्स हो गए जिस तरीके से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो गई, इसी के साथ और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं 15 जिनको इसमें लिस्ट में शामिल किया है। और उन इंस्टीट्यूट में क्या होगा जो टीचर्स वगैरह हैं वहाँ वहाँ उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम पर करवाए जाएंगे। तो 2 वीक का तो होगा इंडिया में डोमेस्टिक प्रोग्राम और 1 वीक का उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाएगा ताकि उनको एजुकेशन की जो हायर क्वालिटी के जो गुण हैं पेत्र हैं वो सीख सकें और हमारे देश में हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इसी के साथ ही जो अर्पित प्रोग्राम है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, इसका मोटो ये है कि इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, स्वयं पोर्टल आपको पता होगा। इस पोर्टल में क्या है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स तैयार किए गए हैं टीचर्स के लिए ताकि वो वहाँ से ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि टीचर्स के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह बनाए गए हैं, तो इससे लगभग 15 लाख टीचर्स को फ़ायदा होने वाला है कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। मासिव ऑपरेशन कोर्स है वो यहाँ पर स्टार्ट है वो किए गए हैं। तो यह एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है टीचर के लिए। तो ये दोनों ही इनिशिएटिव हैं वो एचआरडी मिनिस्ट्री के हैं जो कि वैसे तो लास्ट ईयर ही स्टार्ट है वो कर दिए गए थे, बट अभी इनको वापस इस बार नए सिरे से स्टार्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो क्या है सर्वे ऑफ इंडिया? न्यूज़ ये आई है कि सर्वे ऑफ इंडिया है वो पहली बार ड्रोन की हेल्प से इंडिया कंट्री का मैप है उसको तैयार कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं भाई सर्वे ऑफ इंडिया है क्या। देखो सर्वे ऑफ इंडिया है वो हमारे देश के जो मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिकली आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यह ध्यान रखना यह इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है जो कि 1767 में सेटअप है वो किया गया था। काम क्या है इसका मैपिंग करने का काम है वो होता है इंडिया की। तो इस बार ये ड्रोन की हेल्प से मैपिंग है वो करने वाले हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है निर्विक स्कीम के बारे में। देखो जो निर्विक स्कीम है ये बेसिकली हमारे देश में एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए, आप बोल सकते हो हमारे देश में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्कीम है वो लाई गई है। क्योंकि आपको पता है कि ये भी हमारा इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और एक्सपोर्ट घट रहा था लगातार और जीडीपी भी घटने की बात कही जा रही है, तो इसीलिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स है वो लेके आ रही है। तो उसमें एक है ये निर्विक स्कीम। निर्विक स्कीम है वो बेसिकली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कंपनी है गवर्नमेंट की, 100% गवर्नमेंट की कंपनी है यह। इस कंपनी के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट है वो किया गया है। काम क्या है इसका मोटो ये है कि यह लेंडिंग प्रोसेस है लोन के लिए वो प्रोवाइड करेगी एक्सपोर्टर को, यानी कि जो लोग इंडिया से सामान एक्सपोर्ट करते हैं उनको सस्ते रेट में लोन वगैरह वो मुहैया करवाने का काम है।
इस स्कीम में जो इंश्योरेंस कवरेज गारंटी है वो लगभग 90% तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के साथ कवर है, वो क्या जाएगा? मतलब कि जिसका मूलधन और जो ब्याज है उन दोनों का 90% तक जो अमाउंट है वो एक तरीके से इस गारंटी प्रोग्राम में इंक्लूड की जाएगी, ताकि एक्सपोर्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट है इंडिया से करें। इसी के साथ ही जो ऐसे मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक्सपोर्ट हुए हैं जिनसे काफ़ी सारा लॉस हो गया है कुछ एक्सपोर्टर को, तो उस कंडीशन में अगर एक्सपोर्ट की कीमत है जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, तो जो ECGC यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है उसके ऑफिसर्स हैं वो चेक कर सकते हैं कि भाई कितना क्या लॉस हुआ है, क्योंकि अमाउंट बड़ी है तो वो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये ध्यान रखना है कि इसमें जो बैंक है वो सारा प्रीमियम पे करने वाले हैं ECGC को मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ, ताकि एक्सपोर्ट को और ज़्यादा स्मूथ है वो बनाया जा सके और एक्सपोर्टर को प्रमोट किया जा सके। ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि इससे एक तरीके से एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी है क्रेडिट की एक्सपोर्टर के लिए वो बढ़ेगी, जिससे हमारे देश में एक्सपोर्ट को इम्प्रूव है वो किया जा सकेगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है होती रिबल के बारे में। देखो होती रिबल है वो आप ये बोल सकते हो कि एक आतंकी ग्रुप है, एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि सिया सपोर्टेड है। सिया कहाँ पे है? सिया मुस्लिम कम्युनिटी है, वो मेनली ईरान बहुल कंट्री है, ईरान में है सॉरी मैक्सिम, और उनके द्वारा सपोर्टेड एक आप बोल सकते हो टेररिस्ट या ग्रुप है जिसका नाम है होती रिबल। इस रिबल ने या इस ग्रुप ने अभी क्या किया था, बेसिकली सऊदी अरब की एक तेल कंपनी थी उसके ऊपर अटैक कर दिया, और इसकी वजह से सऊदी अरब का जो ऑयल प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा रुक गया, तो इससे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की डिमांड वो बढ़ गई है, और उम्मीद की जा रही है कि इससे इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पेक्ट है वो पड़ने वाला है। अब देखो दो तीन जगह दी गई हैं कि इन्होंने जहाँ पे अटैक किया था वो बेसिकली एक जगह है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अकबाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना रटने की भी ज़रूरत नहीं है। अकबाइक प्लांट था एक सऊदी अरेबिया का जो कि खुरास ऑयल फील्ड वाले एरिया में था। वहाँ पे क्या किया, सऊदी रिबल ने ड्रोन की हेल्प से अटैक किए और मतलब यहाँ का ऑयल प्रोडक्शन है वो रुकवा दिया। अब देखो सऊदी अरेबिया की जो सऊदी अरमेको जो एक कंपनी थी जिसपे अटैक किया, ये बेसिकली वहाँ की एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जो कि डेली अगर हम बात करें तो 6 मिलियन बैरल ऑयल है वो प्रतिदिन निकालती है, और ऑल ओवर हम देखें तो 6% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को सुनिश्चित करती है। अब देखो इतना बड़ा अगर स्टेप उठाया गया, आप बोल सकते हो कि इतना बड़ा इनके द्वारा अटैक किया गया है, तो सऊदी अरब के द्वारा जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो सडनली एक बार रुक गया है। इसकी वजह से जो इंडिया का इंपोर्ट है वो भी प्रभावित होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी 80% है वो तो ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, और ऐसी कंडीशन में जब क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा, क्योंकि देखो आपको पता है एक साइड तो ईरान के ऊपर यूएसए ने सेंक्शन लगा रखे हैं, जबकि इंडिया मैक्सिमम जो ऑयल था वो पहले ईरान से इंपोर्ट करता था, तो इसीलिए इंडिया ने धीरे धीरे सऊदी अरेबिया की तरफ मूव करना शुरू किया कि भाई ईरान से हम थोड़ा ऑयल कम इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब से ज़्यादा करते हैं। और ऐसे में अगर सऊदी अरब की साइड से ऑयल आएगा ही नहीं तो ऑब्वियसली इंडिया के पास सडनली मतलब ऑयल है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो इससे डिमांड है वो बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली मार्केट में ऑयल की रेट है वो बढ़ सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे आप लॉजिक देख सकते हो। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।